बेहद घटिया, बेहद शर्मनाक, यानी इसकी जितनी निंदा की जाए वो भी कम है। लेकिन क्या करें, आज हर कुछ निजीकरण के हवाले हो रहा है और इसी निजीकरण की भेंट चढ़ गई 3 साल की मासूम खुशी। डॉक्टर अपनी डिग्री लेते समय कसम खाते हैं कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, लेकिन कुछ डॉक्टर इंसान के रूप में राक्षस से भी कम नहीं होते। मरीज और उसके परिवार के लिए डॉक्टर भगवान से कम नहीं होता, लेकिन आज हालात बिल्कुल उल्टे हैं। डॉक्टर का पेशा अब सिर्फ मोटा पैसा कमाने का जरिया बन गया। उत्तर प्रदेश के जिले प्रयागराज से जो मामला सामने आया है उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, हम आप खुद पर शर्मिंदगी महसूस करेंगे। 3 साल की मासूम खुशी के पेट में काफी दर्द हुआ, जिसके बाद उसे यूनाइटेड मेडिसिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हॉस्पिटल ने बच्चे के ऑपरेशन में 5 लाख रुपए मांगे, लेकिन मजदूर गरीब परिवार अपनी जमीन बेचकर मात्र 2 लाख रुपए की ही व्यवस्था कर पाए। लेकिन डॉक्टरों का दिल नहीं पसीजा। डॉक्टरों ने कहा कि पहले पैसे ले आओ, फिर उसके बाद ऑपरेशन करेंगे। परिवार गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन डॉक्टर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर्स ने 2 लाख रुपए लेकर ऑपरेशन तो कर दिया, लेकिन जब पूरे पैसे नहीं मिले तो निर्दयी डॉक्टरों ने बिना टांका लगाए फटे पेट के साथ ही छोटी मासूम बच्ची को ऑपरेशन थिएटर से बाहर कर दिया। बच्ची का परिवार खुशी को लेकर सरकारी हॉस्पिटल गया, लेकिन वहां भी मना कर दिया गया। इसके बाद मजबूर परिवार वापस यूनाइटेड हॉस्पिटल आया, लेकिन गार्ड ने बच्ची के पिता को गेट से अंदर तक नहीं आने दिया। और आखिरकार बच्ची के साथ वही हुआ जो इस देश के गरीबों के साथ होता है। मासूम खुशी असहनीय दर्द से तड़पती हुई इस दुनिया को अलविदा कह गई। ये मामला सामने आने के बाद प्रयागराज के जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। प्रयागराज के यूनाइटेड मेडिसिटी हॉस्पिटल की अमानवीयता की चर्चा सोशल मीडिया में ही नहीं बल्कि पूरे देश में है। 5 लाख रुपए के पैसे की मांग पूरी ना होने पर 3 साल की बच्ची को जिस तरह से उन्होंने फटे पेट ही ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल दिया, उसकी हर जगह चर्चा हो रही है। मामला बढ़ने पर जिला प्रशासन ने अस्पताल को नोटिस जारी किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने आज जिलाधिकारी को जांच व FIR कर 24 घंटे में रिपोर्ट देने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।